नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और मैं हूं आपके साथ हनी सैगल। इस वक्त मैं मौजूद हूं बदरपुर विधानसभा में और अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करी है। और एक तरफ देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के सारे विधायक जोरों शोरों से अपने सांसदों को जिताने की कोशिश में थे। ये वादा किया जा रहा था कि साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के जो सांसद खड़े थे राघव चड्ढा जी, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये आप लोग सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सातों की सातों सीटें हासिल करी दिल्ली में। जनता चाह रही है अनिल जी को विधायक के चुनाव लड़वाना। बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार 24+ में। धन्यवाद अनिल जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप समय समय पर क्षेत्र की समस्या उठाते रहते हैं। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है, ओजोन की लड़ाई जो आपने छिड़ी हुई थी, ओजोन आज लगभग मुक्त हो गया। मीठापुर गोल चक्कर में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है आपका। जनता सर्वे में ये कह रही है अगला विधायक का चुनाव अनिल जी को लड़वाना चाहिए, ये मतलब कैसे, आप लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, ये गलत है जो भी लोग कह रहे हैं। मेरा चुनाव लड़ने का मकसद नहीं है, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, समाज के काम करना और समाज की आवाज़ उठाना ये मेरा कर्तव्य बनता है। बदर विधानसभा के जिम्मेवार नागरिक हूँ मैं, उस नाते मैं सामाजिक चीज़ों को उठाता रहता हूँ। लेकिन जनता ये सोच रही है और कुछ लोग विपक्ष के नेताओं का ये कहना है कि अनिल जी जो ओजोन का मुद्दा लेके आए, मीठापुर गोल चक्कर पे इतनी उन्होंने बहस करी, लड़ाई करी, एनजीटी में गए ओजोन को लेके, ये सब वो विधायक की सीट पाने के लिए कर रहे थे और चुनाव के लिए ये मुद्दे उन्होंने उठाए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, विपक्षियों की चाल होती है। हमारा मकसद केवल ये है कि अच्छे लोग आ गए हैं और क्षेत्र का विकास हो, बदरपुर के विकास के लिए भले ही मुझे कुछ भी करना पड़े, अपनी जान भी देनी पड़े, उसके लिए कम से कम तैयार हूँ, तत्पर हूँ। वर्तमान विधायक के द्वारा बहुत से वादे किए गए, डीटीसी बस का उद्घाटन किया गया था, लेकिन आज बहुत ही बड़े सीनियर लीडर ने बीजेपी के बोला है कि नारायण दास शर्मा जी सिर्फ नारियल फोड़ने वाले नेता हैं, नारियल फोड़ते हैं काम नहीं होता। देखिए, विधायक जी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं लेकिन हम भी लगे रहते हैं, यह दूर में जाऊँ उसके लिए मैंने अभी जो हमारे अमले पटनायक जी कमिश्नर हैं उनको भी हमने अभी ईमेल किया था और रिप्लाई आया था और पहले से हमने देखा होगा जब तुम लोग के जाम में कमी आई है। डीटीसी बस के लिए भी हमने माननीय कैलाश गहलोत जी जो हमारे माननीय मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनको हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, जल्दी ही डीटीसी बसें चलेंगी। और मेट्रो के लिए भी हम लोगों ने पहले आंदोलन किए हुए हैं, दिल्ली सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, हमने इसके लिए भी ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के द्वारा अभी हमने 5 जून को मेल भेजी थी सीएम साहब पास कि जो 38 कॉलोनियों में काम हो रहा है, काम थोड़ा स्लो हो रहा है, तो हमने उनसे प्रार्थना की इस काम को तेजी से किया जाए और अच्छा बेहतरीन काम हो। तो सरकार बनी थी इसलिए बनी थी कि जनता के अनुसार काम हो और उसी दिशा में हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे आप देखना हम अपने क्षेत्र को बड़ा सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। और सरकार से हमारी मांग है, केंद्र में भाजपा है, मोदी जी बैठे हुए हैं, यूपी में योगी जी बैठे हुए हैं, जब भाजपा का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा चलता है तो इस तरह के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ये हमारी उनसे प्रार्थना है। माननीय मोदी जी इसमें आगे बढ़ करके अहम रोल अदा करें और हमारा कानून तो बने हुए हैं, सख्ती से इनका पालन होना बहुत जरूरी है, कानून का सख्ती से पालन नहीं हुआ तो अपराधी निर्भय होकर घूमते रहेंगे। ऐसे अपराधियों को तुरंत ही फांसी की सजा दी जानी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए और सबूतों के आधार पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा अनिल जी, अब विधानसभा चुनाव के लिए मैं पूछूंगा कि क्या किस तरह से तैयारी चल रही है और क्या लगता है अगला विधायक कौन होगा? देखिए, ये तो निर्धारित जनता करेगी, अभी तक हमारे विधानसभा में 3 व्यक्ति विधायक रहे हैं लेकिन जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि जनता ने सभी को नकार दिया है और ओजोन तो ऐसा बड़ा जंजाल बन गया हमारे विधानसभा के लिए कि पूर्व के विधायकों ने और वर्तमान विधायक जी भी इसमें फेल रहे हैं। पूर्व के विधायकों ने तो ओजोन लगवाया और वर्तमान विधायक इसको हटवाने में असफल रहे, तो जनता भी चाह रही है कोई नया चेहरा आए, नए व्यक्ति आगे बढ़े। ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति हर अच्छे व्यक्ति के साथ, सामाजिक व्यक्ति के साथ, पढ़े लिखे के साथ, बुद्धिजीवी के साथ हमेशा खड़ी है और आगे खड़ी रहेगी और हम चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारा दर्द समझ सके। आज 5 लाख लोग ओजोन की वजह से परेशान हैं, हम चाहेंगे कि नहर पार के इस पार का व्यक्ति कोई चुनाव लड़े और जीत के आ गया है। 2 मकान तोड़े गए, एक गरीब विधवा महिला बेचारी 25 का मकान तोड़ा गया, तो बताइए इतने बड़े बड़े दुख मिल रहे हैं और ये जो हमारे बड़े नेता हैं इनकी 4-4 मंजिल की बिल्डिंग बन रही है, कोठी बन रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं और ये आराम से स्विमिंग पूल में घूम रहे हैं और क्षेत्र की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है, तो ये सरासर अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी देवसीगण है इनको भी मैं तो कहता हूँ नेताओं को भी सजा मिलनी चाहिए, इनका बहिष्कार करो और सबको यहाँ से भगाओ।
आप लोग सुन सकते हैं कि बदरपुर की जनता काफी टाइम से ओजोन से ज्यादा परेशान है और आए दिन मकान टूटते जा रहे हैं, लेकिन वर्तमान विधायक नरेंद्र शर्मा के द्वारा कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है, जनता फैसला करेगी। और जो ये अलीगढ़ की घटना हुई है पूरी की पूरी बहुत ही गलत है और बच्ची के साथ हुई है, जिसपे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। आगे की तमाम जानकारी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24+।